वाह प्यारे सान जी, हालांकि मैं हर रोज सिमरन करती हूँ, सत्संग करती हूँ, लेकिन फिर भी हर रोज मेरी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही दर्दनाक होती हैं। मेरे अंदर अजीब किस्म के भय पैदा होते हैं और अजीब ही किस्म की उदासी मेरे अंदर हमेशा पैदा रहती है। इसलिए मैं मनोवैज्ञानिक थ्योरियों का सहारा लेने की कोशिश करती हूँ और एक और किस्म का इलाज चला है जिसमें अलग अलग किस्म के फूलों का तत्व निकाल करके उसको खाया जाता है। और भी कई अलग किस्म के खान पान का सहारा लेकर के मैं अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि सिमरन और सत्संग के अलावा और बाकी के उपाय करके जो मैं अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करती हूँ, इससे मेरी तहकीकात के अंदर फ़र्क पड़ता है। अगर मैं इन बुरी भावनाओं की तरफ ध्यान ना दूँ तो बजाय ये भावनाएं जाने के ये भावनाएं मुझे और ज़्यादा तंग करती हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अपने आप की मदद करने के लिए जो मैं अभ्यास के अलावा उपाय करती हूँ, ये मेरी गुरुमुखता के अंदर एक अच्छी चीज़ है या मेरे मन की चालाकी है जो कि मुझे आपसे दूर ले जाती है। हाँ, मैं आपने इस सवाल का जवाब दो हिस्से करके समझाना है, जरा आसान हो जाएगा। सब तो पहला तो यह है कि मन दियां भावना विच असी उस वक्त ही बहने हैं जब गुरु उपर सानू श्रद्धा नहीं होंगी, साडा मन गुरु तो दूर लै जाता है, मन अपनियां गल्लां विच बड़ी चलाकी ना हर एक नू ला लैंदा है। सानू सब संतां दियां बाणियां पढ़ के ये पता लगता है, असी इस थ्योरी ते पहुँचते हैं कि वह प्रभु सर्व व्यापक है, वह कण कण दे विच व्यापक है, जो उसकी भगती करता है वह भी परमात्मा विच समा के सर्व व्यापक हो जाता है, वह भी हर जगह सानू देखता है। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, हर हर जन दो एक है, बिब विचार कुछ नाहे, जल ते उपज तरंग जो जल ही बिखे समाहे। संत सतगुरां दा, गुरमुखां दा परमात्मा दे नाल रिश्ता इस तरह ही हुंदा है, जिस तरह हवा दी लहर आउंदी है उस नाल बुलबुले बन जांदे है, हवा निकलदी है वो बुलबुले फिर पानी ही बन जांदे है, वो पहला भी पानी हुंदे है मगरों भी पानी हो जांदे है। जिन्ना महात्मा दी अख खुल जांदी है, जिहड़े साफ उस परमात्मा नूं समझदे है, जाणदे है, वो सानूं इह दसदे है कि जिस तरह असी परमात्मा तो कुछ छपा नहीं सकते गे, वो हर जगह देखता है, इस तरह शब्द रूप साडा गुरु जो नामदान दे वक्त शब्द रूप हो के अंदर अपनी सीट मलदा है, वो भी सानू हर जगह देखता है, लेकिन वो बड़ा सबर वाला हुंदा है, भरोसे वाला हुंदा है। जब असी बुरियाई करते हैं, बुरे ख्याल उठाने हैं, तुसी सोच के देख लो किदे अगे उठा रहे हैं, बैठते तो असी भजन सिमरन विच हैं, कोई छोटा जा बच्चा सानू देखदा होवे असी उस तो डरदे हुए भी कोई बुरियाई नहीं कर देगे, कि अगर असी गुरु नू सर्व व्यापक समझते हैं, शब्द रूप समझते हैं, कि असी उस दे बैठ कोले बैठे हाँ असी किसी नू याद करांगे, दिल एक है, चाहे वह प्रभु नू दे दिओ चाहे दुनिया नू दे दिओ। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी, कम एक वक्त इको ही कर सकते हो, चाहे दुनिया नू याद करो चाहे गुरु नू याद करो। पप्पू दे पिता नू तुसी सारे जानते हो, काफ़ी टाइम उन्होंने हजूर कृपाल दे चरणां विच बिताया और जब हजूर महाराज जी अंतर ध्यान होए, शब्द विच लीन हो गए, वह बंगला साहब गुरुद्वारे जाते होंगे सी, किसी भी वह पार्टी अंदर नहीं आए, ना मैं इन्हों जानता सी दिल्ली पप्पू फैमिली नू, ना ये मैं नहीं जानते सी, ये हजूर कृपाल जाने जिसने ये लिंक जोड़िया। जब मैं पप्पू के घरे कई दफा गया, हीरा लाल भाबी भी प्रकाश उन्होंने घरों सत्संग च बैठी है, ये बंगला साहब जाते होंगे सी, और
ना मैं इन्हां नूं कदे उधरों रोकिया ना ये रोके, लेकिन जद कुछ दिनों बाद इन्हां नूं समझ आई ये बाहरले रीति रिवाज चों हट के सच्ची शरदा आखिर तक हीरा लाल ने रखी। जदों कनेडा पहली दफा गया है तुहानूं पता है वो पूरी इंग्लिश नहीं जानदा सीगा, उन्हूं काफ़ी यह भय सी कि मैं रस्ते विच किस तरह करूँगा, अगे इमीग्रेशन वाले कदे गए आए नहीं की करनगे। लेकिन जब गुरु की दया उसनू सही सलामत अगे ले गई, कोई भी दिक्कत उसनू रस्ते विच पेश ना आई, हर थां उन्हें आपका गुरु कम करता देखिया। उसने एक टेप भेजी सी, हो सकता पप्पू को होवे या ना होवे, मैं सुन के इसमें दे दी सी। उहदे विच वध तों वध उन्हें यही आपके यकीन और प्यार की गल करी कि तुसी कहिंदे जरूर हो कि संत मोजे नहीं दिखाउंदे, वो कहिंदा देखण वाला चाहीदा कि मैं ये कहना है कि मोजे तो बगैर कोई बात ही नहीं, लेकिन सवाल यह है आपकी समझ का आपकी देखण का। जब असीं पहले टूर ते गए हैं तुहानू पता ही है कि पप्पू भी इतना माहर नहीं सी इंग्लिश का जितना कि अब है। बच्चा सी उसने पिछों पत्र भेजा कोई दो डेढ़ महीने बाद, असी करपाल आश्रम बरमाउंट से उत्थे वो पत्र मिलिया। जब पप्पू ने मैनू सुनाया वो बड़ा प्यार भरिया पत्र सी, भरोसे वाला सी, उहदे विच वध तों वध यही हदायत लिखी सी कि भई आपां नूं मौका हथ विच आया है, कोई कसर नहीं उठाउणी, पासे रखनी, बाबा जी दी सेवा करन लगे हां, जो संत हुंदे आ उहदी मैनू समझ है। वार वार उहदा यही लिखिया सी। जद पप्पू ने सुनाया मैं पप्पू नूं कहा भी देख बेटा ये पत्र नूं तू सांभ के रख लें, ये तेरे वास्ते एक किस्म दा हदीश ही है। सो तुसी देख सकते हो कि जिन्हां दा भरोसा हुंदा है, जिन्हां दा गुरु नाल प्यार हुंदा, जिन्हां नूं समझ आ जांदी है, अगर ऐसे बंदयां नूं तुसी ये कहो कि अभ्यास दे वक्त कुछ होर सोचो, वो सोचण वास्ते तैयार नहीं हुंदे, गुरु नूं ही सोचदे है। उसनूं 3 साल हो गए सीगे लगभग, उन्हें कदे मेरे कोले कोई दुनियादारी का सवाल नहीं उठाया सीगा। जब उन्हें मेरे पास आना सिर्फ यही कहना कि सिर्फ दया की जरूरत है, हम तो दया ही हो जाए तो अच्छा है। उसका सदा यही कनेडा तो आता सीगा कि मैं अपने आप नहीं आया, तुसी भेज दिता मैं आ गया है, जो बुला लोगे मैं हिंदुस्तान आ जाऊँगा। उन्होंने बड़ी खतरनाक बीमारी लगी जिदा के आखिरी टाइम ची आके पता लग्या, पहला कोई पता नहीं सीगा। तुहानू पता है जिहड़े प्यारे बच्चे हुंदे आ काबिल हुंदे आ वो आपदे माता पिता दा आसान हमेशा ही मनदे है कि साडी इन्हां ने किहड़े वेले पालना कीती कि जब असी बेसहारा सैं, सानू इन्हां दी बड़ी जरूरत सी। कुलवंत पप्पू परिवार का ख्याल होया कि इन्हों का इलाज जिन्ना भी हो सके अच्छा है, कनेडा ले जाने का विचार सीगा। इन्हें टिकट बुक कराई, कुलवंत और बीबी प्रकाश मेरे पास आए, जब दस्या कि असी टिकट बुक करा ली है, शायद तो जान या ना जान, बेशक मैं उन्होंने दिनों च भी कुछ मेरी सेहत ठीक नहीं सीगी, पर मैं कोशिश की, चले गए। उन्हें मेरे नाल आम तौर पर अगे बीबी प्रकाश नूं ही नाल लैके आउंदा सीगा, उस दफा मैं खुद भी कहा कि की गल इस दफा तुसी कल्ले आए हो, वो कहिंदा नहीं मेरे कल्ले दीआं ही बातां है। 1.5-2 घंटा उन्हें मेरे नाल काफ़ी बातां कीतीआं, उदों भी उन्होंने यही कहा तुसी भेज दे हो मैं जा रहा हां, बेशक टिकट इन्होंने बुक कराई है, मैं जाता नहीं सीगा। मैं आख्या कोई इच्छा है तेरी तां वो दस, तू उदास होने की जरूरत नहीं। वो कहन लगा मेरी ये इच्छा है कि मैं हिंदुस्तान च आके शरीर छड़ा। मैं कहा कोई गल नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं कुलवंत नूं बुलाया, मैं कहा देख भई तुसी लोग बुढ़े बुढ़ी नूं नर्स होम दे विच भर्ती करा दिंदे हो, और असी जो हिंदुस्तान दे लोग हैं फैमिली विच शरीर छड़ के खुश रहने हैं, इस दे नाल ऐसा व्यवहार नहीं करना। जद एक कवे एक सेकेंड भी उत्थे नहीं रखना, कुछ टाइम बाद उसका मेरे पास मेरे याद नहीं पत्र आया या टेप आया,
सारी गलबात दसी। मैं इतों पत्र लिखा और पप्पू नूं दे दिता, अगर मैं गलत लिखा हो तो तू कट सकदा है बई। उहदे विच वध तों वध इह लिखिआ सीगा कि अगर शेर साहब आउणा चाहुंदे है उहनां नूं बिल्कुल नहीं रोकणा। पत्र उस नूं मिलिआ, उस वक्त जो आस पास वाले सी कोई इह सलाह नहीं दिंदा सी कि तू चलिआ जा। जद उस नूं दस्सिआ गिआ कि बाबा जी का पत्र आया है, तैनूं उह बुलाउंदे है, वो कहन लग्या अगर उन्होंने बुलाया है तो चलो मैं ले चलो। जो उसकी आखिरी इच्छा सी वो भी गुरु कृपाल ने पूरी की। उस तो बाद की सी मेन गल जो इन्होंने बता के गया कि बाबा जी ने कपड़े दे बूट कद तो पाने शुरू करे है। पप्पू कहन लग्या कि बंगलौर तो उन्होंने शुरू करे है, हुण उह आम तौर पर कपड़े दे बूट रखते हैं। हुण तुसी देख सकते हो कि प्रेमी आखिरी टाइम कितों तक बूटां तक भी परख कर लैंदा है कि मेरे अंदर जो शक्ति आउंदी है वह उहदे किहे जे कपड़े है, किहे जे उहदे बूट है। और काफ़ी कुछ इस परिवार नूं उह दस के गया है। ये गुरु कृपाल की दया सी, परिवार ने भी पिछों पाणा मन्निया, किसी ने ज़्यादा दुनियादारी की तरह रोना पिटना नहीं किया गया, लेकिन उहदा पाणा मन्निया। तुहानूं पता है उही गुरमुख है, उही सिख है, उही महापुरश है जो उहदा पाणा मन्ने। ये उस दी दया सी जिसने अंदर अपनी दया की थम्मी दित्ती। सो प्यारिओ, अगर असी गुरु नूं सर्व व्यापक समझदे हैं, अभ्यास ते बैठे कि असी तुरे फिरदे भी किसी होर नूं सोच ही नहीं सकदे गे, क्योंकि ये दिल गुरु नूं दे दिता हुंदा है। अगर उहदे बैठिआं होइआं अंदर असी किसे नूं सोचांगे, तुसीं सोच के देख लो, असी एक उस औरत जैसा करदे हैं जो कि विभचार ही हुंदी है। ना उह पति दी रही, ना उह यार दी रही। कबीर साहब कहिंदे आ, मन दी आ कहीं और को, तन साधां दे संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लगे रंग। दूजा हिस्सा है कि जिहड़ा शरीर वास्ते दवाई बूटी करनी है। अगर असी वाकई बीमार हैं, संत मत दे विच दवाई बूटी नूं बुरा नहीं कहा गया। शरीर की भी देखभाल करनी बहुत जरूरी हुंदी है, क्योंकि अगर शरीर ठीक है तो असी तद ही असी भजन सिमरन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। लेकिन अज के वक्त विच अखबार पढ़ें पता लगता है कि किन्ने इश्तहारबाजी हुंदी है शौकिया दवाई खाने वाले वास्ते। कहिंदे आओ तुहानूं असीं सदा वास्ते जवान बना दिंदे हैं, बुढ़े भी जवान हो सकते हैं। तुसीं देख लो जो जवानी साढ़े एक बारी हथ चों निकल गई है, बुढ़ेपा आ गया है, वो वापस किसी दवाई ना नहीं आएगी। ये जरूर होएगा कि उन्हां दवाइयां दे विच नशे हुंदे है। जदों असीं खाने हैं नशा अंदर घर कर जाता है, ना कोई ऐसी दवाई तैयार हुई है बाहर कि जिहड़ी साढ़े मन नूं शांत कर देवे। कई प्रेमी सवाल कर देंदे है कि जी मैं दवाई खाना उहदे नाल मन नूं शांति रहिंदी है। नहीं, शरीर नूं तां शांति आ जाती है, लेकिन उहदे विच नशा हुंदा है। जदों असीं खाने हैं थोड़ा बहुत चिर नशा रहिंदा है, ऐसे लगता है कि असीं शांत हैं, लेकिन जिहड़ियां ऐसियां दवाइयां शौकिया असीं खाने हैं वह एक किस्म का असी नशे खुरा शरीर कर रहे हैं, वह साडे वास्ते सेहत नूं हानिकारक हुंदा है। पिछों जाके संत दवाई बूटी नूं कदे भी बुरा नहीं कहिंदे, करनी चाहीदी है। लेकिन ये भी वो दसदे है कि मौत की कोई दवाई नहीं, बीमारी वास्ते दवाइया जरूर बनिया हुई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे है, औखद आए रास जे विच आप खड़ोया, उही दवाई कारगर हुंदी है जिदे विच वो प्रभु दया करता है। प्रभु दया सदा ही करता है। कबीर साहब कहिंदे है, वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस, एते वस्त गोपाल की, जब ल जब चाहे ले खस। ये भी गुरु नानक कहते हैं, ओही वैद ओही डॉक्टर कामयाब हुंदा है जो रोग और दारू नूं बुझदा है, जिन्हों ये पता हुंदा है कि यही रोग है, ये दवाई दा उत्ते जाके की असर होएगा। सो प्यारे हो, अगर साढ़े कोई शरीरक कष्ट है
दवाई बूटी करन दी कोई मनाही नहीं, सानू झिझकना नहीं चाहिदा गा, डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए है, उहदे विच कोई ऐब नहीं हुंदा गा, लेकिन अपना सिमरन जरूर करो। दवाई लैन लग्या भी मन नूं डोलन ना दिओ, क्योंकि वह बुरे कर्म की सज़ा हुंदी है। असी कोई बुरा कर्म भोग रहे हुंदे हैं, सानू बीमारी दे दिनां च भी खास गुरु की तरफ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह भी एक सानू मौका मिलिया हुंदा है मन दे उत्ते वार करन दा। सुखां दे विच मन गाफल रहिंदा है, दुख दे विच यह जरूर गुरु नू प्रभु नू याद करता है। स्वामी जी महाराज कहिंदे है दुख की कड़ी गनीमत जानो। एक तो उहदे नाल यह फायदा है कि जो असी किसी का देना लेना हुंदा है वो कर्ज उतार रहे हुंदे हैं, साडा कर्मा का भार हौला हो रहा हुंदा है। दूसरा है उस वेले अगर असी सिमरन करते हैं तो साडा मन सच्चे दिल नाल सिमरन करता है। रोग भी अगे साडे कर्मा मुताबक हुंदा है, कई रोग तो छोटे मोटे साडी अपनी लापरवाही नाल ही हो जाते हैं, कई कर्मा का भुगतान करने वास्ते आए हुंदे हैं। जो कर्मा का भुगतान असी कर रहे हुंदे हैं सानू नहीं पता कि असी किस किस डॉक्टर का कर्ज देना है, किस किस दवाई वाले का असी कर्ज देना है, किन्ना कर्ज देना है। वो कर्म भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवंत। जो ओहो जे रोग कर्म रोग का आ जाता है उदों फिर प्रेमी गुरु का भरोसा भी छड़ जाता है, भजन सिमरन भी छड़ जाता है, उदास हो जाता है कि देखो जी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर ने ठीक ही नहीं करी, या असी डॉक्टर दे विच नुक्स कढ़न लग जाने हैं। इस तरह अयर वैदिक दे अंदर ग्रंथ दे अंदर एक मशहूर कहानी है, वो इस तरह है कि गोरखनाथ अच्छा जपी तपी त्यागी होया है, उस दे सिर विच फोड़ा सी, कहिंदे भी 12 साल वो फोड़ा सिर विच रहा। गोरखनाथ ने बहुत सारे उस वक्त दे डॉक्टर वैद्यां तों इलाज कराया, लेकिन वो फोड़ा किसी द्वारा ठीक ना होया। कहिंदे वो धूने जिहड़े ते वो बैठ के आपदा तप करदा सीगा उहदे पास ही बूटी खड़ी सीगी, वो बोली कहण लगी भी देख गोरख तैं बड़े इलाज कीते है, अगर तू मैनू रगड़ के उपर लावे ते तेरा फोड़ा हट सकदा है। हुण गोरख अंदर जांदा सी निचले मंडलां दे उत्ते, मैं दसदा हुंदा कि अंतरयामता ता जो ब्रह्म तक जांदे है उन्हां नूं भी कमाल दी हो जांदी है, लेकिन हुंदी निचले मंडलां दी है। ऐसे लोग रिद्धियां सिद्धियां दिखा के अपनी उस शक्ति नूं बर्बाद कर लैंदे है। ये एक संत मत ही ऐसी है जिहदे विच रिद्धियां सिद्धियां तों कम नहीं लिया जांदा गा, बल्कि संत तां इह कहिंदे है अगर तुहाडे ते प्रभु दया करदा है तुसीं अपने विचों वासना तक भी ना निकलण दिओ भी असी कोई कमाई वाले हैं। इस वास्ते गोरख कर्मा दे जाल नूं अच्छी तरह समझदा सीगा। गोरख हस के उन्हूं कहण लग्या भी देख हुण तां मेरे कर्म दी अवधि है जिहड़ी ओह पूरी हो चुकी है, पर तूं जवानों बोली है कि मैं तैनूं तेरा फोड़ा राजी कर दूंगी, हुण मैं तैनूं इह वर दिंदा है कि तेरा ना ही गोरख मुंडी होया, तू फोड़िया फिणसियां ते कम करेंगी। वो मशहूर बूटी है, आम तौर दे उत्ते इह जिहियां बीमारियां दे विच उह बूटी कम आउंदी है।
शुभ रात्रि। गुड नाइट एवरीबॉडी।